एट्रोपिन का आंखों के ऊपर। एट्रोपिन का आंखों के ऊपर क्या एक्शन है, इसके आंखों से रिलेटेड कितने यूज़ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार वाइवा, स्पॉटर्स या रैबिट आई कैल एक्सपेरिमेंट में और शॉर्ट नोट्स में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले एट्रोपिन को एज अ मिड्रियाटिक एंड साइक्लोप्लेजिक की तरह यूज़ करते हैं। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन के लिए मिड्रियासिस जरूरी होता है, जिसमें प्यूपल डायलेट हो जाती है और फंडस अच्छे से विजिबल हो जाता है, जिससे हमारी फंडोस्कोपी हो जाती है। पर जब रिफ्रैक्टिव एरर को देखना रहता है कि कितने नंबर का चश्मा लगेगा, तो उस केस में साइक्लोप्लीजिया वाला एक्शन चाहिए रहता है, जिसमें आँख के लेंस की सिलियरी मसल पैरालाइज हो जाती है। और ये दोनों एक्शन सिर्फ एट्रोपिन जैसे ड्रग ही कर पाते हैं। पर एट्रोपिन के साथ दो प्रॉब्लम है। पहला, इसका एक्शन लेट शुरू होता है और दूसरा, ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। अब डॉक्टर के पास आई चेकअप तो आधे घंटे में हो जाता है, पर एट्रोपिन के मिड्रियाटिक और साइक्लोप्लेजिक एक्शन इसके लॉन्ग एक्टिंग के कारण कुछ घंटे और रहेगा। अब मिड्रियाटिक एक्शन के कारण धूप में आंखें चौंधियाने लगती है, जिसे फोटोफोबिया कहते हैं, और साइक्लोप्लेजिक एक्शन के कारण आँखों के एकोमोडेशन में प्रॉब्लम होती है और हम ठीक से चल नहीं पाते, गाड़ी नहीं चला पाते। तो इसका उपाय है शॉर्ट एंड फास्ट एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जो पर्टिकुलरली आँखों के लिए सेलेक्टिव होते हैं, जैसे ट्रॉपिकामाइड या साइक्लोपेंटोलेट। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें सिर्फ फंडोस्कोपी करना है, रिफ्रैक्शन टेस्ट नहीं करना, तब तो सिर्फ मिड्रियासिस के एक्शन से काम चल जाएगा, साइक्लोप्लेजिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम अल्फा ब्लॉकर फिनाइलेफ्रीन का यूज़ करेंगे। एट्रोपिन का आई से रिलेटेड एक और यूज़ है, टू ब्रेक एडहेशंस बिटवीन आयरिस एंड लेंस। कई बार आयरिस और लेंस एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो इस एडहेशन को ब्रेक करने के लिए मियोटिक्स एंड मिड्रियाटिक्स को अल्टरनेट करके यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, मियोटिक्स डाला तो आयरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर मिड्रियाटिक डाला तो आयरिस रिलैक्स होगा। ऐसा करने से जिस जगह आयरिस और लेंस एक दूसरे से चिपके होंगे, वहाँ मियोटिक और मिड्रियाटिक के अल्टरनेटिव यूज़ के कारण ऊपर नीचे होकर एडहेशंस ब्रेक हो जाएगा। आँखों के ऊपर एट्रोपिन के जितने भी एक्शन हैं, वो स्पिंक्टर प्यूपले और सर्कुलर मसल के M3 रिसेप्टर के ब्लॉक होने के कारण होता है। अब कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन होते हैं, जैसे इरिडोसाइक्लाइटिस, केराटाइटिस, कोरवाइडाइटिस, जिसमें आँखों के मसल्स में पेनफुल स्पैजम होने लगता है और दर्द शुरू हो जाता है। पर जब हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं, तो ये M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता और हमें आँखों को रेस्ट मिलता है। तो ये सारे थे एट्रोपिन के एक्शन आँखों के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में।